सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रूल्स के बारे में, बेसिक रूल्स ऑफ वीडियोग्राफी। इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉम्पोजिशन के बारे में कि कॉम्पोजिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या कॉम्पोजिशंस होती हैं वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी में। जब भी हम मोबाइल वीडियोग्राफी या मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ना कि उसका कैमरा है, ना कि वो कितना महंगा फ़ोन है, वो डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपकी फ़ोटो या वीडियो का कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन इज़ फ्रेमिंग योर सब्जेक्ट। कॉम्पोजिशन इज़ फ्रेमिंग योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट को फ्रेम करने को ही हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब जनरली आप क्या करेंगे, जब भी आपको फ़ोटो या वीडियो क्लिक करनी होगी, आप आपका फ़ोन निकालेंगे, अपने लेंस वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर ली, आपने शेडोज़ देख लिए, लाइटिंग देख ली प्रॉपर है, और फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर ली। पर इससे क्या आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी या आपकी वीडियो अच्छी आएगी? नहीं, वो प्लीजिंग इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपने थॉट प्रोसेस नहीं किया। आपने देखा ही नहीं कि आपके सब्जेक्ट को आपको कहाँ प्लेस करना है, जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके सब्जेक्ट के आसपास सराउंडिंग में, जो चीज़ें अवेलेबल है उनको कहाँ प्लेस करना है, आपने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं। इन सारी चीज़ों को देख के देन इसके बाद में वीडियो या फोटो क्लिक करना, उसे ही हम कहते हैं कॉम्पोजिशन, उसे ही हम कहते हैं फ्रेमिंग करना। तो इन्हीं से हमारा पहला रूल निकल के आता है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक रूल भी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। जनरली फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अंदर जनरली दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल्स लाइन होती है। जब भी आपको आपके सब्जेक्ट की सराउंडिंग, उसका एनवायरमेंट या फिर सब्जेक्ट क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें बतानी है तो आपको रूल ऑफ थर्ड फॉलो करना होता है। अब ये रूल किस तरीके से फॉलो करते हैं ये आपको बताते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन का ग्रिड का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, 3x3 ग्रिड का ऑप्शन। ग्रिड का ऑप्शन ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि दो लाइन वर्टिकल एंड दो लाइन हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे जो चार पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं स्क्रीन पे, आप जैसे देख रहे हैं कि चार पॉइंट्स जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये दो लाइनें कट रही हैं, जो चार पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इन चारों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में आप अगर आपके सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसका मतलब हुआ आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर जानते हैं, जब आप दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये चार पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इन चारों पॉइंट्स में से आप कहीं पे भी आप आपके सब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रहे हैं। आप जनरली काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप किसी कन्वर्जेशन दिखा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से बात कर रहा है, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर आप किसी का एक्शन दिखाना चाह रहे हैं तब आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या आप दिखाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सराउंडिंग कि वो कहाँ पे है, एनवायरनमेंट दिखाना चाह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ पे खड़ा है या कहाँ पे बैठा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं तो आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आप पे है, आपको देखना है कि आप किस तरीके से इस रूल को फॉलो करते हैं। जनरली आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों इमेजेस में या फिर दोनों वीडियोस में कि किस तरीके से अगर आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो करते हैं तो कितनी प्लीजिंग लगती है आपकी इमेज, और अगर आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो नहीं करते हैं, जनरली आपने सेंटर में अलाइन कर दिया और पीछे आगे पीछे आपने कुछ भी नहीं देखा, एलिमेंट्स को यूज़ नहीं किया प्रॉपरली और डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक कर दी, तो वो फ़ोटो कैसी लगती है? दोनों फ़ोटो के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल हमारे पास निकल के आता है लीडिंग लाइंस।
लीडिंग लाइंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जब भी आप किसी सब्जेक्ट का शूट कर रहे हो तो आसपास एक्सप्लोर कीजिए कि कोई भी ऐसी लीडिंग लाइन हमें मिल रही है जो आपके सब्जेक्ट की तरफ सीधा जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, रोड हो सकती है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है। उनकी लाइंस को, उनकी लीडिंग लाइंस को, उनके डायरेक्शन को हमें अपने सब्जेक्ट के टुवर्ड्स यूज़ करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई रोड है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, या रोड के बीच में जो स्ट्रिप्स होती हैं वो अगर बिल्कुल सीधी जा रही हैं, उसके टुवर्ड्स हमने अपने सब्जेक्ट को प्लेस किया, सेंटर में हमने सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो वो बिल्कुल डायरेक्शन में देखेगी। हमारी आइज डायरेक्शन में देखना पसंद करती है। अगर कोई भी उसको डायरेक्शन मिलता है तो वो बिल्कुल सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलती है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसको या तो डायरेक्शन के थ्रू दिखाएं, जिससे व्यूवर्स का डायरेक्ट अटेंशन आपके सब्जेक्ट पे पड़ेगा। इसे कहते हैं लीडिंग लाइन्स। नाउ नेक्स्ट कॉम्पोजिशन रूल हमारे पास निकल के आता है, सिमेट्री एंड बैलेंस। सिमेट्री एंड बैलेंस में क्या होता है, जनरली हम जब किसी भी फोटो को हाफ में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड से इक्वल लगनी चाहिए, बैलेंस लगनी चाहिए। या तो वो ऊपर या नीचे से बैलेंस लगे, या फिर लेफ्ट और राइट से बैलेंस लगे, इसे हम कहते हैं सिमेट्री एंड बैलेंस कॉम्पोजिशन। जनरली ये कॉम्पोजिशन तब यूज़ कर होता है जब हम मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर या इस टाइप की कोई चीज़ें शूट करते हैं, तब हम सिमेट्री एंड बैलेंस कॉम्पोजिशन यूज़ करते हैं। जनरली इस रूल को फॉलो करते टाइम हमें आपके सब्जेक्ट की सराउंडिंग को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना होता है। आपको आपके आई लेवल से चेक करना होगा कि कहाँ से मुझे सब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस्ड मिल रहा है। आपको आपके फ़ोन का कैमरा ऑन करना है, आपको सब जगह घूम के देखना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई मॉन्यूमेंट शूट कर रहे हैं तो आपको सब जगह से चेक करके देखना होगा कि मेरे को सेंटर से लेफ्ट और राइट में कहाँ से मुझे बिल्कुल बैलेंस्ड फ़ोटो मिल रही है। कि लाइक यहाँ लेफ़्ट से भी आपकी फ़ोटो बिल्कुल बराबर है और राइट साइड से भी बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करके घूम के अगर आप चेक करेंगे तो जाके आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिलेगा। अगर आप ज़रा सा भी लेफ़्ट या ज़रा सा भी राइट हुए तो वो देखने में इतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा आपके सब्जेक्ट का या जो भी चीज़ आप शूट करना चाह रहे हैं, तब जाके ये रूल प्रॉपरली अप्लाई होगा। आज जो कॉम्पोजिशन रूल आपने सीखे, रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस एंड सिमेट्री, ये तीन कॉम्पोजिशन रूल्स आप आपकी फोटोग्राफी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जब बात आती है वीडियोग्राफी के बारे में तो उसमें तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और निकल के आते हैं। वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है शॉट साइजेस। शॉट साइजेस के अंदर क्या होता है, जनरली आपको कितने साइज़ का फ्रेम कैप्चर करना है या कितने तरीके के फ्रेम्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट्स या फिर कैमरा मोशन के बारे में, कि कैमरा किस तरीके से आपको मोशन में लेके जाना है, किस तरीके से आपको कैमरा का मूवमेंट रखना है, लाइक आगे पीछे ऊपर नीचे, उसमें कितने तरीके के मोशंस होते हैं या कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन तीसरा होता है कैमरा एंगल्स। कैमरा एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।